चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करवाने वाले हैं, हम कर रहे थे लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन में हमने इससे पहले दो लेक्चर आप देखे होंगे, 31 ईयर प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है। और आगे हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कैसे होता है सारी चीज़ें, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है ना। देखो तुमसे होता है, कहता है एक पर्सन है 60 kg इनसाइड ए लिफ्ट, ठीक है। एक पर्सन है वो लिफ्ट के अंदर है यार, ठीक है। दिस इज द लिफ्ट और एक पर्सन जो है वो लिफ्ट के अंदर है, ये लिफ्ट के अंदर है, ठीक है। और अगर ये लिफ्ट के अंदर है तो इसका जो मास है 60 kg है, द पर्सन मास इज इक्वल टू 60 kg, ठीक है, क्लियर है। एंड लिफ्ट, खुद लिफ्ट का भी मास है, जो लिफ्ट है उसके पास भी मास है, कितना है, 940 kg लिफ्ट का मास है, ऐसा क्वेश्चन में बताया जा रहा है, ठीक है। देखो अब हुआ क्या कि लिफ्ट यार एक्सेलरेट होगी, लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन, लिफ्ट ऊपर जाने लगी और इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है, इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन 1 m/s है। द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विथ 1 m/s एक्सेलरेशन से। अगर मैं जी की वैल्यू 10 लूं तो टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल, ठीक है। अब देखो लिफ्ट तो अपने आप ऊपर जाएगी नहीं यार, इस ये लिफ्ट एक डिब्बा है और इस बॉक्स को ऊपर ले जाने के लिए कोई ना कोई सपोर्टिंग केबल लगा होगा, ऐसे पुली लगी होगी, ठीक है, ऐसे पुली लगी होगी जिसमें स्ट्रिंग, ये केबल ऊपर जाएगा, ठीक है, जिससे लिफ्ट ऊपर जाएगी और ये स्ट्रिंग अगर ऐसे खुलेगी तो ये लिफ्ट नीचे आएगा, ठीक है। तो ये जो केबल है, ये केबल, इसमें टेंशन हमें कैलकुलेट करना है। अब सोचो ये जो बॉक्स है पूरा ऊपर जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर ऊपर जा रहा तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, इस ये आदमी और ये टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास हो गया 60 और 940, 1000 kg पूरा का पूरा मास हो गया। अभी 1000 kg मास पूरा नीचे लग रहा है, mg, 1000 kg जी नीचे लग रहा और टेंशन ऊपर लग रहा और ये एक्सेलरेट ऊपर रहा, इस कुल मिला के इस पर दो फोर्स लगा, इन दोनों पे ग्रेविटी नीचे लग रही और टेंशन ऊपर लग रहा और ए से ऊपर जाता एक्सेलरेट हो रहा। तो मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो टी माइनस एम जी दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द मैन प्लस लिफ्ट एम, दिस इज द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो हमें टेंशन मिल जाएगा, तो टेंशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एम जी प्लस ए, जी की वैल्यू 10 लेना है, मास ऑलरेडी आपका दोनों का 1000 kg हो गया, जी की वैल्यू 10 ले लो, एक्सेलरेशन 1 ले लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11, ठीक है, मतलब 100, ठीक है, 10000 न्यूटन, ठीक है ना, 11000 newton इतना जो है वो फोर्स लग रहा होगा, दैट इज सी ऑप्शन सही है, ठीक है, क्लियर है। आई होप कि आज समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ नहीं था, एक मास है वो ऊपर जा रहा है, उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, mg, टेंशन, इक्वेशन लिख दिए।